वहीम हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोपोर्शंस को करना, कैसी क्वेश्चन कैसे बनती है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसको करते हुए हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे अपने पास, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम 8 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू प्लस एक्स रेशियो 3 इज इक्वल टू 3, सॉरी सवाल मेरे पास है, 2 प्लस एक्स रेशियो 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4:5। इसको क्या करना है, इसकी मदद से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हमें क्या करना है, इसको ए सपोज किया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, मेरे पास 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5। देन क्या करें, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कि हम इसको क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी वैल्यू के साथ, और इस 4 को, सॉरी लिखने रहा है, हम इस 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ। तो इसको हम आगे सॉल्व करें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स। तो आगे 5 2 10, 5x इज इक्वल टू 4 3 12 एंड 4x -4x। अब जो x वाली वैल्यूज है उनको एक साथ लिख लेते हैं, जो बिना x की वैल्यूज है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो मीन्स ये पर x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर 5x सेम टू सेम रहा, ये वाली वैल्यू उठा के लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो गया प्लस का 4x इज इक्वल टू 12 सेम टू सेम रहा, ये 10 यहाँ पे प्लस में था, उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में, तो माइनस का 10 हो गया। तो 5x प्लस का 4x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई में, तो 9 को उठा के कहाँ ले जाएंगे, हम सेल्फ ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2/9। तो ब्लू से कर देते हैं, और उससे x इज इक्वल टू 2/9, मीन्स हमने रेशियो की मदद से क्या निकाला, हमने x की वैल्यू फाइंड की। तो ये क्वेश्चन याद रखनी है, ये हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और कंबाइंड प्रोपोर्शंस। तो इसको देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, तो अच्छा लगता है।